सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में फाइनली काफ़ी दिनों के बाद एक नई अपडेट देखने को मिलेगी। ये जो अपडेट है 18.4 के रूप में आई है और ये कल शाम को ही अपडेट आई है। तो चलिए इस वीडियो में आपको 18.4 के बारे में पूरी अपडेट की जानकारी देते हैं। जैसे कि इस अपडेट में आप लोगों के लिए एक ही अपडेट है और वो अपडेट है RCS व्यू प्रोफाइल। ये RCS व्यू प्रोफाइल क्या है, जैसे कि आप लोग गर्भवती और धातृ महिलाओं की जो कैटेगरी को देखते हैं वहाँ पे जो ये बदलाव किया गया है RCS व्यू प्रोफाइल, यानी कि RCS का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। जो जच्चा और बच्चा है उन दोनों का हेल्थ का जो स्टेटस है आप लोगों को वहाँ पे RCS व्यू प्रोफाइल में दिखाया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं और प्ले स्टोर से इसको अपडेट करके आपको पोषण ट्रैकर ऐप पे लेके चलते हैं कि आप लोगों को किस प्रकार से ये जो अपडेट है वो देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इस प्रकार की जो नई नई अपडेट है उसकी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पे। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे लिख के पोषण ट्रैकर। हम जैसे ही यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि आपके जो पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे व्हाट्स न्यू में कि ये जो अपडेट है वो 22 मार्च को ही आया है और इसमें एक अपडेट है एडेड RCS प्रोफाइल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर। तो जो गर्भवती एवं धात्री माताओं की कैटेगरी है उसमें ही ये अपडेट आई है। यहाँ पे एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका जो अपडेट का वर्जन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे 18.4 का ये अपडेट है और 22 मार्च 2023 को ये अपडेट आया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर इसको अपडेट कर लेते हैं। जब आप इसको अपडेट करेंगे तो इसका जो MB है वो 5.78 MB का ये अपडेट है। जल्द ही आपका ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट हो चुका है, अब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो अपडेट हो चुका है। अब यहीं से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे बेनिफिशियरी वाली कैटेगरी में आना है। यहाँ पे आने के बाद अब हम लोगों को देखना है ये जो अपडेट है वो किस प्रकार से दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को खोलेंगे, यानी कि आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है या नहीं खोला है इसकी स्थिति आप लोगों को हर रोज़ दर्शानी होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ठीक है पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्टिविटी भी भरनी होती है, तो हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे। तो आज का जो डेली ट्रैकिंग है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम बेनिफिशियरी वाले पे फिर से क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम जो गर्भवती एवं धात्री माताओं की कैटेगरी है उसको ओपन करते हैं। पहले हम यहाँ पर गर्भवती महिला की कैटेगरी को ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद अब देखते हैं कि ये जो अपडेट है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा। बाद हम यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप लोगों का पुराना वाला अपडेट करने के बाद जो ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया था वही आप लोगों को देखने को मिला है। अभी जो न्यू अपडेट 18.4 का आया है, जो RCS प्रोफाइल वाला ऑप्शन है वो अभी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी आप लोगों को कुछ करना नहीं है। यहाँ पर RCS प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में हमें कहीं से जानकारी मिलती है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबको ज़रूर बताएंगे कि जो RCS प्रोफाइल है उसमें किस प्रकार से जो बेनिफिशियरी हैं उनका हम लोग स्टेटस चेक करेंगे या जो कुछ भी है उसमें बदलाव किया जाएगा। तो उसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोग कहीं पर भी सर्च करेंगे या खोजेंगे कि ये जो RCS व्यू प्रोफाइल है वो आपको कहीं भी अभी देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में जल्द ही आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।